नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक की। और इस अध्याय में हम लोग जादुई संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस किताब के अनुसार तीसरा दिन है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे सुन न सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपने के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी, और एक ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद को ही पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थीं वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। थॉर्नटन वाइल्डर, जो एक लेखक और नाटककार थे जिनका जन्म 1897 और मृत्यु 1975 में हुई, उन्होंने कहा था, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने
स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह व्यक्ति अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता हो, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी या आपको सहारा दिया था। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम और डैड, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने शब्दों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें
कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। अब दोस्तों, जादुई अभ्यास क्रमांक 3 में हम जादुई संबंध के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, उदाहरण के लिए धन्यवाद हैली। नंबर 6, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जादुई संबंध के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग जादुई स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।